श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक साधक से आज बात हो रही थी, पारिवारिक तौर पर उनके यहाँ तंत्र चलता है, तो उनके जो गुरु हैं उनके परिवार के, उन्होंने उनको समझाया कि बीज मंत्रों की साधना ना करके साबर मंत्रों की साधना करनी चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र के साधना में अगर उच्चारण का हेर फेर हो जाए तो अनिष्ट करे ना करे लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। बहुत सही विषय उन्होंने बताया। ऐसे ही किसी से एक बार मैंने एक अपने वीडियो में अजपा का वर्णन किया था, जो ध्यान का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हम सह एक अजपा मंत्र है जिसको जपा नहीं जाता है, तो वो श्वास के साथ लिया जाता है, मतलब श्वास अंदर लिया तो हम और सांस बाहर छोड़ा तो सह। तो एक व्यूअर ने मुझे बताया, एक साधक ने, कि उन्होंने जहां से दीक्षा लिया था वहां से उनको अजपा का दीक्षा मिला था, लेकिन अजपा का दीक्षा करने के बाद उनका जो है जीवन जो है वो खराब हो गया, समाप्त हो गया। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अजपा एक ऐसा मंत्र है जिससे अनंत की प्राप्ति होती है और उसको करने से कभी अहित नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि क्या प्रक्रिया थी, तो उन्होंने बताया कि प्रक्रिया ठीक आपकी उलट थी, मतलब श्वास लेते समय सो और सांस छोड़ते समय हम, ठीक है, हम सह के बदले सो हम का जाप उनको बताया गया था। तो दोनों बातों को अगर जोड़े तो आप समझिए कि जो इनके गुरु परिवार में बताया गया वो सही वाक्य था। ये अल्प ज्ञान का नतीजा है। अब जैसे ओम की बात करते हैं, विषयांतर नहीं कर रहा हूं, आज का विषय मैं आपको बता दूंगा कि सिर्फ एक बीज मंत्र का जाप और ध्यान से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, आज का वीडियो उसी विषय में है। लेकिन उससे पहले थोड़ा व्याख्यान होना चाहिए विषय का, कि आप समझ पाए कि कैसे होगा ये। तो जैसे अभी हर मंत्र के आगे ओम लगा रहता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, आप हमें छोड़ दें, आप पूज्यपाद पुरी शंकराचार्य गोवर्धन मठ को सुनेंगे, वो जब आपको बताएंगे तो वो आपको बताएंगे कि ओम का उच्चारण आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो शास्त्रों में तो वो पंडित हैं, हम साभर में भले कितने भी आगे हों लेकिन शंकराचार्य शंकराचार्य हैं, तो उनका भी कहना है कि ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन हर जगह हर गुरु ओम का उच्चारण कराएगा ही, ओमकार का नाद कराएगा ही, बिना ज्ञान लिए कि उसका आगे वाले पर क्या असर होगा। ओमकार का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है दिमाग को शांत करने वाला एक वर्ण, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो जाप हम लोगों को करना चाहिए वो है ह। ह अक्षर जो है वो पराशक्ति का बीज है, ये वो अक्षर है जिससे कि ये पूरी जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो बना है, और ह में ही और बीज लग करके एक बीज आता है रिम, तो उत्पत्ति बीज रिम है। एक आम व्यक्ति अगर रिम का जाप करे और गुरु मुख होके करे तो उसको कई लाभ होते हैं। रिम के बाद जो दूसरा मुख्य मंत्र है जिसका आपको जाप करना चाहिए वो होता है हमसह, जो मैंने बताया, हम श्वास अंदर लेते समय और सह श्वास छोड़ते समय, ये मन में बोला जाता है, इसका जाप नहीं होता है। मतलब जाप करने का अर्थ है कि ये चलते रहना चाहिए निरंतर, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्लच एक्सीलेटर ब्रेक स्टेयरिंग इसका ध्यान नहीं रखते, ये चलता रहता है, वैसे ही हम सह का जो जाप है वो चलता रहेगा। तीसरा जो जिससे उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हुआ वो था सोहम। सोहम परमात्मा बीज है, ठीक है, उसको परमात्मा का बीज माना जाता है, इसका जाप होता है, ये श्वास के साथ नहीं चल सकता अजपा की तरह, ठीक है। इसी तरीके से त्रिपुरा सुंदरी का जो बीज है, क्योंकि हर भगवती का बीज फिर क्या होगा, रिम होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि
एम कारि सृष्टि रूपाय ह्रीम काली प्रतिपाली के क्लीम कारि काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते। तो उसमें तीन बीज का वर्णन है, लेकिन ह्रीम जो है वो मायापूर्वक बीज है, ठीक है। तो त्रिपुरा का बीज होता है ह्रीम, जैसे कि माया का बीज ह्रीम है। और ह्रीम मंत्र का में अलग अलग बीजाक्षर जब जुड़ते हैं तो अलग अलग तरह का किस आप उससे क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सब कर सकते हैं। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो वशीकरण का विधान है। कैसे करेंगे वशीकरण? एक साफ आसन पर बैठ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। जब आप वशीकरण की क्रिया करते हैं तो आपका मुख जो होता है वो चाहे तो पूरब की तरफ होगा या उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। जो बीज अक्षर से वशीकरण होता है वो सूर्योदय के समय सबसे उत्तम होता है। तो स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठ जाएं, ठीक है। और ध्यान अपने गुह्येंद्र पर लगाएं, मतलब स्वाधिष्ठान चक्र जहां पर स्थापित है उस स्वाधिष्ठान चक्र पर आप अपना ध्यान लगाएं। और ध्यान में क्या लगाएंगे कि वहां एक लाल पुष्प है, ठीक है। लाल रंग का एक पुष्प है जिसमें लाल रंग की अमृत धारा बह रही है। मतलब जब इसको अंग्रेज करते हैं मेडिटेशन, तो वो बोलते हैं कि एक लोटस फ्लावर आपके स्वाधिष्ठान चक्र में है और उसमें जो है एक रेड लिक्विड फ्लोट कर रहा है। जैसे किसी भी मशीन में ग्रीस जब चारों तरफ उसके घूमता है तो वो स्मूथली वो मशीन घूमती है, उसी तरीके से ऐसा ध्यान करना है कि वो जो पुष्प है उसके चारों तरफ लाल वर्ण का अमृत धारा बह रहा है जिससे कि वो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उस पुष्प पर, ठीक है, उस व्यक्ति का जो चेहरा है उसका चिंतन करेंगे आप। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि तीन चीजों को आपको वहां पर ध्यान लगाना है। एक तो पहले स्वाधिष्ठान चक्र पर जाएंगे, वहां पर जपा कुसुम का ये करेंगे, ध्यान करेंगे उस पे। फिर ऐसा समझना है कि लाल रंग का जो अमृत धारा वो बह रहा है, और फिर वो जो कुसुम है उसके ऊपर, या वो कमल मान ले आप, उसके ऊपर आपको चिंतन करना है कि वो जो व्यक्ति है जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं उसकी तस्वीर छपी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको 1,000 जाप करना है 7 दिनों तक, ऐसे ही बैठ करके रोज, कामराज कूट बीज का। कामराज कूट बीज जो है ये त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा सुंदरी का बीज मंत्र है। त्रिपुरा सुंदरी की साधना में, तंत्र में इसका प्रयोग होता है। क्या है मंत्र? मंत्र है हस कल ह्रिम, तो ह्रिम अंत में आता है इसमें, हस कल ह्रिम। ध्यान कर लिया, ध्यान में जो आपका मानस पटल है उसमें वो जो पुष्प है जो कमल है वो दिख रहा है, उसमें जो प्रवाहित हो रहा है अमृत धारा वो दिख रहा है, और उसके बीच में वो व्यक्ति जिसका आपको वशीकरण है उसका चेहरा दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद आप सिर्फ इस बीज का जाप करते रहे। देखो ऐसे तो 1,000 जाप करना चाहिए, लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका ध्यान आपके मानस पटल से जैसे ही वो चेहरा गायब हो तुरंत इस जाप को रोक देना चाहिए। इसको 7 दिन करने से ऐसे इसका असर पहले दिन से ही दिखने लगता है, लेकिन अगर आप 7 दिन करेंगे तो आपको इसका 100% फल दिखेगा। ना कोई तंत्र, ना अभिचारिक, ना कोई प्रयोग, सिर्फ वशीकरण विशुद्ध रूप से। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। उसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो आपको सिखाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में आपको बताते हैं, बंधन के बारे में बताते हैं। जिनको मेरे लेख या आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानना है वो www.agortantrahasya.com पर चले जाएं। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें rudranath@cm4 आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी आप सभी को अनंत धन और वैभव दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।